हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है म्यूनिसिपैलिटीज़। तो शुरू करते हैं इसको। देखो, लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब से मिला? वो मिला 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। इससे पहले भी होती थी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि लोकल गवर्नमेंट्स पहले भी होती थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ब्रिटिश एरा में भी होती थी, हम नेक्स्ट स्लाइड में भी यही डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया या कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब हुई, तो वो हुई 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे इसको तीन मिनिस्ट्रीज डील करती हैं। ठीक है, तो इन मिनिस्ट्रीज का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली होती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स। जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे जलंधर कैंट हो गया, जिसे हम कैंट बोलते हैं, वो क्या था, कैंटोनमेंट होता है वो, या अंबाला कैंट हो गया, उसे अंबाला कैंटोनमेंट होता है। तो वो जो वहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। ठीक है, फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जो यूटी होते हैं, तो यूटीज़ में अर्बन लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर आएगी, वो आएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। अब इसके एवोल्यूशन पे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी वो ब्रिटिश टाइम में सेटअप हुई थी इंडिया पे। सबसे पहले इंडिया में कहाँ हुई थी, मेड्रास में, यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज होता था, फोर्ट सेंट जॉर्जेस भी बोलते हैं उसे, तो वो मेड्रास में हुआ था। ठीक है, उसे फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद सेटअप हुई बॉम्बे एंड कैलकटा में, फर्स्ट मेड्रास, फिर बॉम्बे एंड कैलकटा। अच्छा, लॉर्ड रिपन जो थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया 1882 में, जिसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो। आप ये चीज़ याद रखने वाली है कि लॉर्ड रिपन का 1882 का जो रेजोल्यूशन था, दैट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, वही बिल बाद में जो है इमर्ज होके बना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देख लेते हैं कुछ। इसने एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9A। पार्ट 9 में क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, तो पार्ट 9A में क्या है, वो है अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, आर्टिकल 243(p)(2), आर्टिकल 243(z)(g) तक है। ठीक है, पी से शुरू होके। अच्छा, द एक्ट ऑल्सो एडेड द 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल पंचायत थी, ठीक है, 12th शेड्यूल जो है वो डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ से। ठीक है, इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, हमने पहले डिस्कस किया है ये। इट ब्रॉट देम अंडर द परव्यू ऑफ जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी हमें मालूम है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट न्यू सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। ये जो नया सिस्टम है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट। हालांकि वो अपने रूल्स से लेट बना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि उन्हें अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। अच्छा, फिर चलते हैं जी कॉम्पोजिशन पे। देखो, जनरली इनके मेंबर्स जो हैं, जनरली, ठीक है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। पंचायत में भी ऐसा होता था। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ऐसा रूल बता सकती है कि कौन कौन से जो बंदे मतलब कि इसमें रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बंदे इलेक्ट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस, ठीक है, इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हो सकता है मेंबर ऑफ लोकसभा या स्टेट असेंबली या राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, फिर चेयरपर्सन ऑफ कमेटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 243(s). ये एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है कि चेयरमैन ऑफ कमेटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर क्लॉज 243(s). ठीक है, अच्छा, चेयरमैन कैसे इलेक्ट होगा, अब वो स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया गया है कि आप रूल्स एंड लॉज बनाओ कि चेयरमैन को कैसे इलेक्ट करना है। फिर जो है वार्ड कमेटीज पे आता है। वार्ड कमेटीज क्या होती हैं? अच्छा, पहले तो ये समझ लो कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट वार्ड कमेटीज। ऑब्लिगेटरी है ये चीज, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट करनी ही करनी है। फिर क्या है कि वार्ड कमेटीज होती क्या है, ये क्या होती है, वन और मोर वार्ड्स में इनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है। ठीक है, कंप्राइज्ड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर। तो हम ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, ये मान लीजिए आप कोई म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है, ठीक है,
इसमें 3 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें इतना सा जो पार्ट होगा, ठीक है, वो मान लो एक वार्ड है, फिर इतना पार्ट दो वार्ड है, ये 3 वार्ड है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक वार्ड हो सकता है या 2 वार्ड हो सकता है या 3 वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। इनको इकट्ठे मिला के इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेंगे तो वो वार्ड कमेटीज देखेंगी, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर शैल मेक, उसको बनानी ही पड़ेगी, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉम्पोजिशन, टेरिटरियल एरिया एक्सेट्रा, ठीक है। फिर चलते हैं जी अदर कमेटीज पे। ये स्टेट लेजिस्लेचर को ऑप्शन दे दिया गया है कि तुम वार्ड कमेटीज़ के अलावा कोई और कमेटीज़ भी कर सकते हो, लेकिन वार्ड कमेटीज़ करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद जी हम चलते हैं, एक सेकंड, ड्यूरेशन पे, ठीक है। एवरी म्यूनिसिपलिटी शैल कॉन्टिन्यू फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, यही पंचायत वाला सेम है, ठीक है। बट इट मे बी डिजॉल्व अर्लियर अकॉर्डिंग टू द लॉ, वही पंचायत वाला सेम है। इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्यूनिसिपैलिटी शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, पंचायत वाला सेम एग्जैक्ट, ठीक है। इफ द म्यूनिसिपैलिटी हैज बीन सुपरसीडेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म द इलेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट ड्यूरेशन, एग्जैक्टली सेम पंचायत वाला, ठीक है। और ये पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है, और जो मैं बता रहा था कि ये पंजाब पीसीएस में और यूपीएससी 2016 प्रीलिम्स में आ चुका है कि अगर कोई म्यूनिसपैलिटी है अगर वो डिसॉल्व हो जाती है तो जो अगली म्यूनिसपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी दैट शैल बी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म, ठीक है। फिर चलते जी पावर टू इम्पोज टैक्सेस पे, ठीक है। तो जो पावर टू इम्पोज टैक्सेस है स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी जैसे पंचायत को कर सकती है वैसे म्यूनिसिपैलिटी को भी कर सकती है, असाइन कर सकती है वेरियस टैक्सेस, ड्यूटीज, टॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक ग्रांट्स इन एड भी दे दिए जाते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। फिर जी चलते हैं फाइनेंस कमीशन पे, ठीक है। तो 243 I के अंतर्गत जो है फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होनी ही पड़ेगी, ठीक है। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज एंड ऑल्सो मेक रिकमेंडेशंस एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द म्यूनिसिपैलिटी एंड द स्टेट। फाइनेंस कमीशन के 2 काम होंगे, एक तो वो पहले रिव्यू करेगी, ठीक है, कि म्यूनिसिपैलिटीज की हमारे स्टेट में जो है क्या पोजीशन है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फिर वो क्या करेगी, वो बाद में रिकमेंडेशन करेगी, ठीक है, वो रिकमेंड करेगी कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, 60-40 होनी चाहिए, 10-90 होनी चाहिए या 50-50 होनी चाहिए, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन म्यूनिसिपैलिटीज एंड द स्टेट, ठीक है। फिर चलते हैं जी इलेक्शंस पे। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें भी पंचायत वाले केस की तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी, ठीक है। अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 243 के शैल हैव द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ, पहला तो है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, पंचायत में भी ऐसा होता है, इलेक्टोरल रोल्स जो है कौन प्रिपेयर करेगा, किसके सुपरविजन में होगी, वो होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में। फिर जो है कंडक्ट भी इलेक्शन जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे वो कौन करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगी, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव बिन वेस्टेड विद नेसेसरी पावर्स टू रेगुलेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज, टू इलेक्शंस टू म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। फिर है द कोर्ट्स शैल हैव नो ज्यूरिसडिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर्ट्स के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, ठीक है। कोर्ट्स कभी इस चीज़ में नहीं जाएगा कि इन्होंने ऐसा लॉ क्यों बनाया है कि सिर्फ यहाँ यहाँ रिजर्वेशन हो सकती है या इतनी रिजर्वेशन हो सकती है या जो है इस अलॉटमेंट ऑफ सीट से रिलेटेड, या ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने बड़े एरिया की है इतने एरिया की क्यों नहीं है, इतने बड़े एरिया की क्यों है, ठीक है। इन सब में कोर्ट्स नहीं जाएगा, कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ठीक है। फिर जी हम आते हैं कमेटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। अपार्ट फ्रॉम गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनिसिपैलिटीज, 74th अमेंडमेंट ने 2 और कमेटीज की भी बात करी है। हर एक स्टेट में 2 कमेटीज
जो हैं वो बनेंगी बनेंगी, ठीक है, शैल बी क्रिएटेड. पहला होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस लेवल पे होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी. दूसरी होगी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा, मेट्रोज में होगा, ठीक है. इनकी कॉम्पोजिशन और मैनर इलेक्शन का, ठीक है, दे आर टू बी प्रोवाइडेड बाय अ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है. बट कुछ जो चीज़ें हैं ये इन्होंने जो है रूल्स दी हैं कि ये तो होना ही होना चाहिए. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एटलीस्ट मतलब मिनिमम 4/5 ऑफ द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत एंड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसमें जो उसके जो मेंबर्स का इलेक्शन जो है या वो मेंबर्स कैसे नॉमिनेट होंगे या इलेक्ट होंगे वो तो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा, बट एक कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 4/5 जो मेंबर्स होंगे वो ऐसे होंगे जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है. इनडायरेक्टली इलेक्ट में क्या होगा कि उनको इलेक्ट करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत एंड ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज इन दैट डिस्ट्रिक्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इन्हें इलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है. तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इन्हें इलेक्ट कर सकेंगे. फिर जी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, ठीक है. जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी उसके एटलीस्ट टू थर्ड मेंबर्स जो होंगे वो कौन होंगे? वो लोग होंगे जो जिन्हें इलेक्ट किया है म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स ने या पंचायत के चेयरमैन ने, ठीक है, चेयरपर्सन जो सरपंच हम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने आपस में अपने में से जो है उन लोगों एटलीस्ट 2/3 लोगों को चुना है. इसी के साथ हमारा ये छोटा सा लेक्चर ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच.